अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम मज़ेदार सैंडविच बनाने जा रहे हैं। बहुत आसान रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाते हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ आलू लें और उनको वॉश कर लें। अब इन आलूओं को मीडियम फ्लेम के ऊपर बॉईल होने के लिए रख दें। पंद्रह मिनट बाद इसको नाइफ़ की मदद से चेक कर लें। अगर आपको लग रहा है कि ये कच्चे हैं तो इनको थोड़ा और टाइम दें बॉईल होने के लिए, मगर अगर आपको लग रहा है कि ये बॉईल हो चुके हैं तो आप इनको उतार सकते हैं। मेरे पहले बॉईल नहीं हुए थे, इनको थोड़ा और टाइम चाहिए था, मगर अब ये बॉईल हो चुके हैं। अब इनको एक प्लेट में निकाल लें और इन तमाम आलूओं को छील लें। अब इन तमाम छिले हुए आलूओं को मैश कर लें। चिली फ्लेक्स यानी दड़ा मिर्च हम इसके अंदर डालेंगे 1/2 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, सॉल्ट 1/2 टीस्पून, ज़ीरा 1/2 टीस्पून, अब इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर हम 1/3 कप धनिया काट कर डाल देंगे और 5 से 6 अदद हरी मिर्चों को काट कर इसके अंदर डालकर मिक्स कर लेंगे। अब इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम कुछ ब्रेड ले लेंगे। अब हम ब्रेड के ऊपर मायनीज लगाएंगे। और इसके ऊपर अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे। हर पीस के ऊपर मायनीज स्प्रेड कर लेंगे। अब इसके ऊपर मटेरियल लगाकर इसके ऊपर स्प्रेड कर लेंगे अच्छी तरह। अभी हमने मटेरियल लगा दिया, अब इसके ऊपर हम खीरे डालेंगे। आप बंद को भी चाहे तो वो भी डाल सकते हैं। अब इसके अंदर हम केचप लगाएंगे। That's what you us. The story's over now, I must go.
अभी हमारे सैंडविच अब रेडी हो चुके हैं, तो अब इनको हम बाहर निकाल देंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छे, बहुत मज़े के लग रहे हैं। ज़बरदस्त। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें। अब चलें चॉकलेट सैंडविच बनाते हैं कुछ। सबसे पहले हम कुछ ब्रेड और नूटेला ले लेंगे। अब चॉकलेट को ब्रेड के ऊपर अप्लाई करेंगे। जो दूसरा पीस है उसके ऊपर भी हम चॉकलेट अप्लाई कर लेंगे। अब हम ब्रेड के किनारे काट लेंगे और ब्रेड को चार पीस में कट करें, और ये हमारे मज़ेदार चॉकलेट सैंडविच भी रेडी हो चुके हैं। बहुत आसान रेसिपी हैं, आप ज़रूर इनको ट्राई करें, घर वालों को खिलाएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।